हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आ गई हूँ आज एक अच्छा सा कंपैरिजन वीडियो लेके। और आज का जो कंपैरिजन वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं दो ऐसे ब्रांड्स को कंपेयर करने वाली हूँ। एक जो है वो अपना देसी है और एक जो है वो थोड़ा बाहर वाला है। तो अब हमें देखना है कि दोनों में से बेटर कौन सा है। एक्चुअली मैं बात जो कर रही हूँ वो है क्लींजिंग बाम के बारे में। तो दोनों ही क्लींजिंग बाम में कौन सा बेटर है, कौन सा कह सकते हैं कि बेटर हर महीने में, सिर्फ ये नहीं कि वो कैसे क्लीन करता है, बट हर महीने में कौन सा बेटर है, हम वो देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इनकी एक्सटर्नल पैकेजिंग और ये सब सारी चीजों के साथ। तो इसका एक्सटर्नल पैकेजिंग काफी मुझे अच्छा लगता है। देखो काफी स्लिम ट्रिम है, स्लीक है, मतलब ऑल दो इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक बड़ा साइज भी आता है, इसका एक छोटा। मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा प्राइस कंपेयर करने के लिए इसका छोटा वाला लिया है। इसका बड़ा भी ले सकते हैं, ऑल दो ये बहुत हाई एंड बाम है, क्लींजिंग बाम है, तो मैंने इसलिए सोचा कि इसका छोटा वाला लेके ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो अब मैं बता देती हूँ सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में। तो जो प्लम वाला है, इसका प्लम वाले का नाम है इल्यूमिनेंस सिंपली सपल क्लींजिंग बाम एंड दिस इज क्लीनिक टेक द डे ऑफ क्लींजिंग बाम। तो ये दो हमारे पास है मैदान में जिनके बीच में हम जंग छेड़ने वाले हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी इज 90 ग्राम्स एंड ऑन द सेम हैंड इसकी क्वांटिटी जो है दैट इज 30 ग्राम आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट्स 30 ml। तो अभी मैं क्यों बोल रही हूँ दोनों का क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि अब मैं अगली चीज जो बताने वाली हूँ वो है प्राइस। तो इसका प्राइस है 545 एंड इसका प्राइस है 890। तो हमें 30 ml प्रोडक्ट या 30 ग्राम प्रोडक्ट का प्राइस मिल रहा है 900 रुपए, और यहाँ पे हमें 90 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है ऑन एन अराउंड 545 रुपीज का। तो भाई प्राइस तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो तो है ही, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इनके दोनों के जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बात करें, दीज बोथ हैव सीड ऑयल, दोनों में सीड ऑयल है, दोनों में ग्लिसरीन है। 60-70% दोनों के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मुझे सेम ही लगे। चलो अब मैं जल्दी से बता देती हूँ इन दोनों के टेक्सचर के बारे में। तो टेक्सचर जो मैं अगर दिखाऊं तो इसका टेक्सचर है कुछ एकदम प्योर वाइट है, बहुत बहुत जल्दी मेल्ट होता है, बहुत लाइट है, बहुत स्मूथ है, काफी इजीली, मतलब अभी मैं आपको जो फेस में अप्लाई करके बताऊंगी कि कैसे रिमूव करता है वो भी दिखा दूंगी। ऑन द सेम हैंड अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें मैं अगर लेती हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट, तो मैं लेने से ही बता दूंगी ना, ये प्रोडक्ट बहुत इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है। मतलब इवन जब मैं निकाल रही थी ना, थोड़ा सा हार्ड था वो, बट दिस इज सुपर डुपर स्मूथ। हाँ, लगाने के बाद दोनों का ही आप देख सकते होगे कि ऑलमोस्ट सेम ही, शाइन नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट सेम टाइप का टेक्सचर आपको शो कर रहा है यहाँ पर। तो वो दोनों का सेम ही है ऑलमोस्ट। मेन तो हमें देखना है कि दोनों का काम कैसे करता है। तो अब हम ये देख लेते हैं फटाफट से। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने फेस के आधे साइड में प्लम का यूज करने वाली हूँ और आधे साइड में क्लीनिंग का यूज करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट कर देते हैं भाई प्लम के साथ। तो मैं क्या करूंगी, ऑलमोस्ट इस अमाउंट का मैं प्रोडक्ट लेने वाली हूँ, इसको अप्लाई कर दूंगी प्रॉपरली एंड मैं धीरे धीरे करके इसको मसाज करना स्टार्ट करूंगी अपने फेस पे। तो आप देख पा रहे होगे, ये देखो, मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट और लूंगी, ज्यादा नहीं। करते हैं अपने हाफ ऑफ द फेस की तरफ। इसके लिए मैं ये वाला प्रोडक्ट लेने वाली हूं। तो आई एम गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट जो मैंने वहां के लिए लिया था। मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा और
जैसे कि हमने फेस के हाफ साइड में क्लिनिक का यूज किया था यहाँ, अब मैं इसको रिमूव करना स्टार्ट करती हूँ, तो मैं हाफ साइड पे एक क्लींजिंग लेके इसको सिंपल, ज्यादा कुछ रगड़ूंगी नहीं, जस्ट हल्के हाथों से ये देखिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इस साइड पे। तो अब मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ आपको, यहां पे मेरा मेकअप का ऑलमोस्ट पूरा लेयर उतर चुका है, क्योंकि अब मैं इसके बाद सेकेंड क्लींजिंग स्टेप करने वाली हूँ जो कि फेस वॉश है, बट फर्स्ट क्लींजिंग स्टेप जो मैंने कर लिया है तो उसके बाद मुझे पर्सनली कुछ डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगी कि क्लिनिक वाला जो ये था, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। मुझे टेक्सचर में पहले लग रहा था कि यार ये यहाँ पे मलने पे प्लम वाला ज्यादा स्मूथ है, बट जैसे ही मैंने फेस पे लगाया, इट वॉज ग्लाइडिंग सो स्मूथली, सो मतलब एफर्टलेसली वो काम कर रहा था प्रॉपरली, मुझे ज्यादा मेहनत ही लगानी पड़ी यहाँ पे, जबकि मुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ा, बट हियर इन दैट साइड ऑफ माई फेस बहुत ईजिली हो गया। तो मुझे ये लगता है एट द एंड इन जनरल व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दैट कि ऑलमोस्ट दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, तो 19-20 के लिए सिर्फ 30 ग्राम प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं 30 ग्राम प्रोडक्ट की बात करूं तो वो 900 रुपए का है, तो 90 ग्राम जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलमोस्ट हो गया 3 गुना, दैट इज 2700। तो आप 2700 रुपए सेम काम करने के लिए दे रहे हो तो वो मुझे ज्यादा लगता है। मैं पर्सनली मैं प्लम की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड हूं, क्योंकि एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, एक तो ये देसी है, अपना इंडियन ब्रांड है, और तीसरी चीज ये कि दोनों को लगाने के बाद मुझे ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो एट द एंड अगर आपको दोनों को लगाने के बाद ब्रेकआउट स्टार्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है यार। मैं तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर प्लम फॉर द नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर, एंड मेरी तरफ से तो इट्स येस इट्स अ टोटल ड्यू फॉर यू नो क्लिनिक क्लींजिंग बाम, ये जो प्लम वाला अपना बाम है ये टोटल ड्यूप है, और यार बहुत मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। इट्स गुड थिंग टू इन्वेस्ट, मतलब मेरे को क्लींजिंग बाम जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप मुझे इजिली अच्छे से मसाज करके पूरे मेकअप को उतार देता है प्रॉपरली बहुत अच्छे से, तो मेरे को पर्सनली ये ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू क्लींजिंग मिसलर वाटर, क्लींजिंग वाटर वो मैं प्रेफर करती हूँ। हाँ, एक क्लींजिंग वाटर है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज फ्रॉम फेस शॉप राइस एंड ब्राइट वन, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो मैं अपने पास रखती हूँ, बट स्टिल जब मुझे घर पे एकदम डीप क्लीन करना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इनको ये थोड़े क्लमजी से हो जाते हैं आपको फेस से रिमूव, हाथों में पूरा लग जाता है, तो मैं ट्रेवल के टाइम इनको कभी भी यूज नहीं करती हूँ। मैं ट्रेवल के टाइम ट्राई करती हूँ कि मैं क्लींजिंग लिक्विड लेके जाऊं और मैं वही यूज करूँ, बट घर पे दे आर बेस्ट आप घर पे यूज करने के लिए, और आप ऐसे अगर ऐसे इंसान हो जो कि ट्रेवल के टाइम पे भी अपनी स्किन केयर को बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हो तो फॉर श्योर यू कैन टेक दिस। एंड यहाँ मेरा रिव्यू वीडियो खत्म होता है, जिसमें मैंने कंपेयर किया है दो डिफरेंट डिफरेंट क्लींजिंग बाम को, एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप ऐसे वीडियोस को मिस ना करो, एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।